as you guys were asking for important question for mathematics, so here comes the video. It is the part number one. In this video I am going to cover from chapter 1 to 12 important questions. And remember one thing, follow my strategy before watching this video, because you cannot be solely dependent on only on these important questions, because as I suggested in my strategy that you must follow my strategy, then you will be able to succeed with 95 plus marks. So let's get started guys. So सबसे पहले तो आप अप्रोच कैसे करेंगे चैप्टर को, जैसा कि मैंने आपको मेरी स्ट्रेटेजी में ही बताया. मैं याद रखिए, आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखें. डू वॉच माई स्ट्रेटेजी वीडियो गाइज. यू ऑलरेडी नो फार्मूला, क्योंकि आज आपने फार्मूला कर ही लिए हैं. वीडियो बचे मैं आज ही पब्लिश कर रहा हूँ, अब आप कुछ लोग कल देखेंगे. ठीक है, प्रैक्टिस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ. उसके बाद प्रैक्टिस ऑल परीक्षा बोध. मैंने आपको जैसे बताया कि यू कैन नॉट बी सोली डिपेंडेंट ऑन एनी वंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 100% आएगा, लेकिन यू कैन नॉट बी सोली डिपेंडेंट ऑन इट. फिर देन फॉलो माई स्ट्रेटेजी वीडियो एज आई सजेस्टेड यू, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. कॉपियाँ भर दो, 5 दिन में कॉपियाँ भर दो. सो पहले चैप्टर, पहले 1, 2, 3, 4 चैप्टर के कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें से आने के बहुत चांसेस, अगर ये नहीं आया तो कुछ वैल्यू चेंज करके आएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. सबसे पहले ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका बेस सेट हो जाएगा. जैसे कि आपने फॉर्मूला कर लिया है तो आपका बेस आपने थोड़ा सा बना लिया, आप उनको अप्लीकेशन में कैसे लाएं. तो हियर कम्स दी क्वेश्चन. सो अप्लाई दोज फॉर्मूला इन दोज क्वेश्चन. ओके गाइज, 5, 6, 7 चैप्टर का. ठीक है, फिर 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दीज आर ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यू शुड बी डूइंग ऑल परीक्षा बोध एंड देन सम एग्जाम्पल्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, देन ओनली यू विल बी सक्सीड इन एग्जाम्स. ये कुछ ओल्ड क्वेश्चन हैं. सो दैट्स इट गाइज, कीप काम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज ऑल द फार्मूला, क्योंकि जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको फार्मूला किसी भी हालत में नहीं भूलना है. और जब भी आप पेपर में लिखे तो फार्मूला जरूर साइड में लिखे, ताकि एग्जामिनर पे इसमें इंप्रेशन जाएगी, इसने सब ऐसा नहीं रट के नहीं आया, ये इसमें सब बता रहा है. ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू सक्सीड इन एग्जाम. सो दैट्स इट गाइज, आई विल बी अपलोडिंग पार्ट टू इन शॉर्टली. सो गुड बाय गाइज, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्न वायर. प्लीज शो योर सपोर्ट गाइज. Spread the word. Let everyone should.